ठीक है. सो इफ यू ऑल हैव एनी डाउट इन बिटवीन, लेट मी नो. यू कैन अनम्यूट योर सेल्स और जस्ट रेज योर हैंड्स, राइट इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर वन. वील बी स्टार्टिंग विथ चैप्टर थ्री. चैप्टर टू, एज आई मेंशन इन द फर्स्ट क्लास, वील बी डूइंग इट लेटर. ठीक है, टुवर्ड्स द एंड. सो चैप्टर थ्री. Chapter 3 is something which you might have done little bit in your school or your college. But the things and concepts a little bit can be different. Supply and demand. Part 1. ठीक है. या आई विल शेयर माई स्क्रीन. ओके. सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू इम्पोर्टेंट वर्ड्स दैट वी नीड. द वेरी फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन. सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद डिमांड, देन वील मूव टू सप्लाई. सो लेट मी सो टेल मी व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिमांड. Willingness to purchase, willingness to buy. So there is some willingness which is there to, or there is a want basically. But want alone is not sufficient, because let's suppose I am saying yes, Bharat. This is the backup class. So let's suppose if I am saying that I want, let's suppose if I say that I want Antila. एंटीला क्या है? मुकेश अंबानी का घर है, मुझे वो बाय करना है. सो वो डिमांड नहीं हुआ. क्यों? दैट इज जस्ट माई विलिंगनेस टू बाय. बट इफ आई हैव द परचेजिंग पावर, इफ आई हैव दैट परचेजिंग पावर और परचेजिंग कैपेसिटी टू बाय अ पर्टिकुलर थिंग सो दैट आई कैन गेट इट, उसको हम डिमांड बोलते हैं. सो डिमांड इज नॉट ओनली वॉन्ट और विलिंगनेस, इट शुड बी अकम्पनीड बाय द परचेजिंग पावर. उसी को हम डिमांड बोलते हैं, अदरवाइज इट्स जस्ट अ सिंपल वॉन्ट. सो दिस डेफिनेशन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. तो डिमांड हमने समझा कि इट इज बेसिकली द वॉन्ट प्लस द परचेजिंग पावर. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डिमांड? बोलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डिमांड? सो एकदम बेसिक लॉ ऑफ डिमांड जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम क्यू डी क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, ऑफ अ पर्टिकुलर गुड विल फॉल. बट एक चीज और हम बोलते हैं, सेटेरिस सेटेरिस पेरिबस. सेटेरिस पेरिबस का मीनिंग होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम का क्या मतलब है? अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम का क्या मतलब है कि बाकी सारी चीजें, मेरा इनकम या जो आप कमोडिटी खरीद रहे हो, जिसका डिमांड कर रहे हो, उसका लेट्स सपोज क्वालिटी, ठीक है, एवरीथिंग एल्स, या फिर प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. ओनली व्हाट चेंजेस द प्राइस ऑफ द गिवन गुड. सो प्राइस ऑफ द ओन गुड या गिवन गुड दैट विल इंक्रीज, सो यू विल डिमांड लेस ऑफ द पर्टिक्युलर गुड. सिमिलरली इफ द प्राइस फॉल्स, आपका डिमांड विल, क्वांटिटी डिमांडेड विल गो अप. ठीक है, क्लियर है? अंडरस्टूड राइट? नाउ लेट्स सपोज इफ आई टेल यू, लेट्स सपोज आई टेल यू कि इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं. जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड को हम दो तरीके से समझ सकते हैं. दो तरीके से समझ सकते हैं, एज इन इसको हम दो तरीके से समझेंगे लॉ को. पहला हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट. पहला हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम इफेक्ट? इनकम इफेक्ट का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जांपल इफ आई से प्राइस ऑफ द ओन गुड विल इंक्रीज, अदर थिंग्स आर सेम, माय इनकम इज सेम. सो इफ आई एम परचेजिंग, लेट्स सपोज एवरी मंथ आई एम परचेजिंग वीट, वीट का प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, माई इनकम इज सेम. सो वो सेम इनकम से अब हम कम वीट खरीद पाएंगे,
पहले लेट्स सपोज 100 रुपीज में आप 3 केजीज खरीद पाते थे, उसका लेट्स सपोज प्राइस था 20 रुपीज पर केजी, तो 100 रुपीज इज योर इनकम फॉर एग्जाम्पल, तो आप कितना बाय कर पाओगे 5 केजीज। अब उसका प्राइस हो गया लेट्स सपोज 25 रुपीज पर केजी, आपका इनकम इज सेम विच इज 100, तो आप कितना परचेज कर पाओगे 4 केजीज। सो योर परचेजिंग पावर हैज गॉन डाउन, योर परचेजिंग पावर, योर रियल इनकम, परचेजिंग पावर को हम बोलते हैं रियल इनकम, माई रियल इनकम हैज गॉन डाउन, परचेजिंग पावर हैज गॉन डाउन। इफ परचेजिंग पावर या रियल इनकम गोज डाउन, योर क्वान्टिटी डिमांडेड विल ऑल्सो गो डाउन। सो बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड अगेन क्वान्टिटी डिमांडेड, यू कैन एक्सप्लेन इट यूजिंग इनकम इफेक्ट। अंडरस्टूड? सेम थिंग वी कैन एक्सप्लेन, सेम थिंग वी कैन एक्सप्लेन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? अगेन इफ आई से दैट प्राइस ऑफ लेट्स सपोज टी गोज अप, ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव गुड, गुड विथ सिमिलर क्वालिटीज, नॉट सेम बट सिमिलर क्वालिटीज विच यू कैन सब्स्टिट्यूट। टी के साथ कॉफी जनरली हम बोलते हैं कि वी कैन सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सो अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगा तो रिलेटिवली बाकी सब सेटेरिस पेरिबस, बाकी सारे चीजें कॉन्स्टेंट है, तो रिलेटिवली प्राइस ऑफ कॉफी कम लगेगा आपको। लेट्स सपोज पहले टी का प्राइस था 10 रुपीज, अब वो हो गया 15 रुपीज, तो आपका रिलेटिव प्राइस ऑफ कॉफी आपको सोचने में तो कम लगेगा ना। सो रिलेटिवली यू आर फीलिंग एज इफ प्राइस ऑफ, एक्चुअल में प्राइस ऑफ कॉफी नहीं गिरा है, बट रिलेटिव फील है ऐसा कि प्राइस ऑफ कॉफी हैज गॉन डाउन रिलेटिवली। तो रिलेटिवली अगर प्राइस ऑफ कॉफी हैज गॉन डाउन, वॉट वील डू, वील डिमांड मोर कॉफी, वील डिमांड मोर कॉफी एंड लेस ऑफ टी, and less of t. So again you are actually proving the same concept of law of demand but using substitution effect. ye dono bahut important hai because later on when we move to chapter 4 and chapter 5 usme hum log graph mein samajhte hai ki, and hum log jab normal goods, inferior goods, gift and goods karte usme hum log samajhte hai income aur substitution effect kaise आपका एक गुड में एक्ट करता है एंड इट बिकम्स अ नॉर्मल गुड और अ इंफीरियर गुड। अंडरस्टूड? सो रिलेटिवली इनकम फॉल हुआ है, एक्चुअल इनकम नहीं फॉल हुआ है, रियल इनकम हैज गॉन डाउन, परचेजिंग पावर हैज गॉन डाउन। यहाँ पे कॉफी का प्राइस डिक्रीज नहीं हुआ है, रिलेटिवली प्राइस डिक्रीज हुआ है। तो आप ज्यादा कॉफी कंज्यूम करोगे तो टी आप कम कंज्यूम करोगे। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? सो वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय substitute? Substitutes are goods in alternative consumption. अब सिमिलरली जैसे आपके सब्सटीट्यूट होते हैं, ठीक है, तो सब्सटीट्यूट का हमें समझ में आ गया कि अगर हमारे गुड का प्राइस बढ़ेगा तो आप सब्सटीट्यूट गुड ज्यादा कंज्यूम करोगे तो हमारा गुड का कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली देर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जो आप एक साथ कंज्यूम करते हो। लेट्स सपोज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग कौन सा लेते हैं? हाँ, कार एंड पेट्रोल, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। कार एंड पेट्रोल बोल सकते हैं, यस वी कैन से ब्रेड एंड बटर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, और टी एंड शुगर वेरी गुड एग्जाम्पल। मतलब जो स्मॉल स्केल पे समझो कि ऑन अ स्मॉल स्केल क्या, क्योंकि कार एंड पेट्रोल है कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली, बट अगेन प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, सो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है व्हेन यू टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो यस, टी एंड मिल्क के साथ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर एक का प्राइस बढ़ता है, लेट्स सपोज आपका, हम बोलते हैं ब्रेड का प्राइस हैज गॉन अप, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि ब्रेड का प्राइस, प्राइस ऑफ ब्रेड has gone up, तो quantity demanded of butter क्या होगा बताना? हाँ, decrease, sure। मतलब ये हमारा own good है, let's suppose इसका price नहीं change हुआ है, butter का price नहीं change हुआ है, bread का price increase हुआ, तो bread आप कम consume करोगे, bread कम consume करोगे तो butter भी कम consume करोगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्लियर है कैसे कॉन्सेप्ट करते हैं। सो ये जैसे यहाँ पे ये हमारा अगर मान लो ओन गुड था,
ठीक है, ये हमारा ओन गुड था. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओन गुड? जिस गुड पे आप डील करें. सो लेट्स से सपोज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में अगर हमने बोला प्राइस ऑफ वाई गोज अप, सो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स विल आल्सो गो अप. इफ एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स, तो एक्स एंड वाई में देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, यस और नो? बोलो जल्दी. यहाँ पे इफ आई एम सेइंग प्राइस ऑफ एक्स गोज, या फिर प्राइस ऑफ वाई गोज अप, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स गोज डाउन, देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, इट बिकम्स अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? एनी डाउट? ठीक है. सो हम लोग ये बेसिक चीज, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लाइक हाउ डू यू रिप्रेजेंट डिमांड. सो वी मेक अ डिमांड स्केड्यूल और अ टेबल. ठीक है, ये टेबल कैसा दिखता है? सो लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग हम बोलते हैं प्राइस पर केजी ऑफ व्हीट हम लोग को दिया हुआ है. ठीक है, सो आई विल टेक द एग्जांपल व्हिच आई हैव टेकन इन माय कंपाइलर ओनली. 20, 40, 60, 80 एंड 100, ये मेरा सारा प्राइस गिवन है. ठीक है, ये मेरा सारा प्राइस गिवन है. नाउ इफ आई टेल यू व्हाट इज द एज डिमांड, एज डिमांड मतलब एक देर इज एन इंडिविजुअल ए, उसका क्या डिमांड होगा इफ प्राइस इज 20. सो लेट्स सपोज 28 है, 15 है, 5 है, 1 है एंड 0 है. सिमिलरली आपको 20 डिमांड गिवन है. व्हेन आई से डिमांड यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, केजी, कि हम केजीज में डिमांड डील कर रहे हैं. ठीक है, तो बी का क्या डिमांड आ जाएगा, लेट्स सपोज 16, 11. तो क्या हो रहा है, एज योर प्राइस इज इंक्रीजिंग डिमांड इज गोइंग डाउन, डिमांड इज गोइंग डाउन. अगर हम बोले मार्केट डिमांड क्या होगा, लेट्स सपोज मार्केट में खाली ए और बी है और कोई नहीं है. इन दिस मार्केट देर आर ओनली टू कंज्यूमर्स, ए एंड बी, और कोई नहीं है. तो व्हाट विल बी द टोटल मार्केट डिमांड, यू विल जस्ट एड इट अप, यू विल जस्ट एड इट अप. बोलो क्या हो जाएगा, 44, 26, 8 एंड 6. सो दिस इज नथिंग बट यू कॉल दिस एज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल समेशन. हॉरिजॉन्टल मार्केट डिमांड इज अ हॉरिज, वाई हॉरिजॉन्टल समेशन, वाई हॉरिजॉन्टल समेशन. देखो ये आपका प्राइस, अब देखो ये हम लोग डिमांड कर्व बनाएंगे जहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, ये आपका 0 हो गया. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्राइसेस, 20, 40, 60, 80 एंड 100. लेट्स सपोज ये हमारे डिफरेंट प्राइसेस दिए हुए हैं. ठीक है, आइडियली मैं स्केल फॉलो नहीं कर रही हूँ. अभी आपके प्राइसेस हैं एंड आपके डिमांड्स क्या हो गए. लेट्स सपोज जब 20 था तो आपका डिमांड कितना था, डिमांड वॉज समवेयर अराउंड, नहीं इसका ए का 28. ठीक है, तो ये आपका 28, फिर 40 हुआ तो थोड़ा और कम, फिर और कम और कम एंड और कम. आई थिंक इट वॉज 0. सो इफ आई टेक इट एज 0 तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी 0. ठीक है, दिस इज 28. तो समवेयर लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस विल बी योर डिमांड कर्व ऑफ ए. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डी ए, डिमांड कर्व ऑफ ए. सिमिलरली वी कैन मेक डिमांड कर्व ऑफ बी. अब इन दोनों का समेशन जब आप मार्केट डिमांड कर्व बनाओगे ना, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, मतलब वो इन दोनों का समेशन हो जाएगा. सो इसीलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल समेशन, हर एक प्राइस पे हम सम करें क्वांटिटी को, इसीलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल समेशन बोलते हैं. अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? तो ये आ गया हमारा डिमांड कर्व. ये एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, लेट्स सपोज ये आपका ए का डिमांड कर्व है, ये आपका बी का डिमांड कर्व है, तो आपका टोटल डिमांड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. मतलब आप हर एक प्राइस लेवल पे आप ऐड करो ना, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? और फ्लैटर हो जाएगा आपका जो कर्व है वो, और फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, नाउ आफ्टर द डिमांड शेड्यूल वील अंडरस्टैंड द डिमांड इक्वेशन, हाउ आर डिमांड इक्वेशन लुक्स लाइक. सो क्यू डी इक्वल टू, ऐसे हम लिखते हैं, ए माइनस बी पी. ठीक है,
अब आप लोगों को याद होगा वाई इक्वल टू ए प्लस एम एक्स लेट सपोज, ठीक है। तो ये आपका होता था, या फिर एम एक्स प्लस सी आप लोग लिखते थे ना, तो चलो मान लो ये सी है, तो ये आपका क्या होता था इंटरसेप्ट, ये क्या होता था स्लोप, दिस इज द, हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इसका क्वांटिटी या वैल्यू विल डिटरमाइन वाई का वैल्यू। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप दैट वी कैन सी। अब हम लोग आइडियली क्या करते थे बताओ, यहाँ हम लोग वाई को प्लॉट करते थे, यहाँ हम लोग एक्स को प्लॉट करते थे, अंडरस्टूड। बट जो मैंने इक्वेशन यहाँ लिखा है, जो मैंने इक्वेशन यहाँ लिखा है, एंड यहाँ पे मैंने लिखा था प्राइस व्हेन आई वाज मेकिंग द डिमांड कर्व, सो दिस इज योर डिमांड कर्व। सो व्हेन आई एम मेकिंग अ डिमांड कर्व, ऑन द वाई एक्सिस आई एम मेकिंग प्राइस, ऑन द एक्स एक्सिस आई एम मेकिंग क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे प्राइस इज योर इंडिपेंडेंट एंड दिस इज योर डिपेंडेंट, बट वाई इज माई डिपेंडेंट ऑन द वाई एक्स एक्स एक्सिस, वाई इज माई क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द एक्स एक्सिस। बोलो, कैन यू टेल मी रीजन? हाँ, कैन यू टेल मी द रीजन? एनी वन सोचो, ये ऐसा क्यों है? ये लॉजिक क्लियर है कि ये सही है, मतलब प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड इज सजेस्टिंग, प्राइस चेंजेस क्वांटिटी डिमांड। बट व्हाई आर वी मेकिंग इट उल्टा ऑन द डिमांड कर्व? कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है। दिस वाज द कन्वेंशन, जब आपका लॉ ऑफ डिमांड जिसने निकाला था, उन्होंने जब ये इक्वेशन एंड उन्होंने जब ये कर्व बनाया था, उन्होंने ये। नाउ इफ यू गो एंड सर्च, इवन आई हैव डन लाइक लॉट ऑफ सर्चेस इस पे, आपको कोरा पे एंड यू नो यू विल गेट डिफरेंट आंसर्स कि ना ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, बट ऑल दीज थ्योरीज आर नॉट रियल, मतलब ये मेड अप थ्योरीज है। लाइक लॉ ऑफ डिमांड इज समथिंग विच वॉज विच केम अप हंड्रेड ऑफ ईयर्स बैक, है ना। सो वेन इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो वो ऐसा ही बना था जहाँ पे उस इकोनॉमिस्ट ने वाई एक्सिस पे दे टुक प्राइस एंड ऑन द एक्स एक्सिस दे पर्पसली टुक क्वांटिटी डिमांडेड, वेर एज क्वांटिटी डिमांडेड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई रीजन नहीं है, यू विल यू माइट रीड सर्टन रीजन, बट दोज आर नॉट रियल, दोज आर मेड अप रीजन। अगेन, हर रीजन मे बी वैलिड लगे आपको पढ़ के, दैट इज वॉट आई सेड इन माई फर्स्ट क्लास, इकोनॉमिक्स में हर थ्योरी आपको वैलिड लगते हैं जब तक उसके अजम्पशन करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनके थ्योरीज करेक्ट है, बट आइडियली देर इज नो रीजन फॉर दिस, दे मेड इट ऐसे फ्रॉम द स्टार्ट, सो वी विल ऑल्सो फॉलो दिस। नाउ वाई डिड आई एक्सप्लेन यू? बिकॉज ऐसे बहुत स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं, सो दे आस्क मी दिस क्वेश्चन। मैंने पहले ही समझा दिया कि देर इज नो पर्टिक्युलर रीजन फॉर दिस, दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन दैट दे हैव फॉलोड फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। अंडरस्टूड? क्लियर? एनी डाउट सो फार? तो ये हमारा, अच्छा अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, देखो ये हमारा इंटरसेप्ट हुआ, तो जब आपका प्राइस जीरो है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका कितना होगा? जो प्राइस जीरो है तो क्वांटिटी डिमांडेड, सपोज लेट्स सपोज आपका कर्व ऐसा है, तो ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया। बी देखो नेगेटिव है, बी नेगेटिव होने का, स्लोप नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है? हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव रिलेशन, दैट इज व्हाट वी सी, देयर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बी इज नेगेटिव, क्लियर। एंड पी इज द प्राइस जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर मैं इसके साथ और भी चीजें ऐड करूं, आप लोग को ये क्लियर है ना? ये क्लियर है? लेट्स सपोज इफ आई टेल यू टी एस इज द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, डी पी सी, सी इज द प्राइस, पी सी इज द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, एंड लेट्स सपोज वाई इज द इनकम। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसके पहले प्लस आएगा या माइनस आएगा? हर एक के पहले क्या आएगा, माइनस या प्लस? पी एस के पहले क्या आएगा, पी एस के पहले क्या आएगा इन द चैट बॉक्स? सब लोग बोल रहे हैं प्लस आएगा। सो लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कि हमारा टी है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी,
तो सब्स्टिट्यूट मान लेते हो शुगर है, तो अगर नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूट मान लेते हो कॉफी है, तो अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, हाँ इंक्रीज होगा, सो इट विल बी अ प्लस साइन, यस अंडरस्टूड क्लियर। अब अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं शुगर, अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज होगा तो टी का प्राइस, हाँ डी का क्वांटिटी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन यहाँ पे। एंड सिमिलरली इफ माय इनकम गोज अप आई विल बाय मोर ऑफ टी, बिकॉज टी इज अ नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है करेक्टली, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लस। एनी डाउट, एनी डाउट? एक चीज और इसमें हम लिख सकते हैं, एक चीज और हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, विच इज प्राइस ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। तो अगर मैं बोलू फ्यूचर में आई एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ टी टू फॉल, आई एक्सपेक्ट कि फ्यूचर प्राइस ऑफ टी विल फॉल, तो अभी आई व्हाट आई विल डू, बाय मोर टी या लेस टी? लेस टी बिकॉज आई विल बाय इट इन फ्यूचर जब प्राइस गिरेगा, सो आई विल बाय लेस ऑफ टी। सो देयर इज अगेन व्हाट रिलेशन, प्लस या माइनस? पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस एंड द करेंट क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है? अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? ठीक है। आई थिंक ये इक्वेशन पूरा नहीं है आप लोग के, इसमें आप लोग लिख सकते हो आगे का, आप लोग लिख सकते हो इनका मैं नहीं है, ठीक है। एनी डाउट? सो व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड दैट वी सी, व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन इट्स ओन प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड, प्राइस ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस क्या होगा, इनकम, योर ओन इनकम, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी होता है। सो बहुत बार क्या होता है ना कि एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, बट इफ पीपल आर प्रेफरिंग अ फ्यू कमोडिटीज तो वो इवन दो उसका प्राइस ज्यादा है कम है फर्क नहीं पड़ता, हम उसको खरीदते हैं। या फिर समटाइम इफ द ट्रेस एंड प्रेफरेंसेस इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर गुड तो उसको हम नहीं खरीदते। अंडरस्टूड? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और क्या हो सकता है बताओ, विच इज डिटरमाइनिंग द डिमांड, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल अफेक्ट, बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे इंपैक्ट करता है बताना। अगर मैं बोलूं एक कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इक्विटेबली, तो उस कंट्री का डिमांड ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ क्यों ज्यादा होगा? करेक्ट, ज्यादा लोगों के पास परचेजिंग पावर है तो डिमांड ज्यादा होगा। वेर एज अगर वही चीज जो आपके रिसोर्सेज है, इनकम इज लिमिटेड टू अ फ्यू पीपल, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली वो डिमांड भी टू सम एक्सटेंड करेंगे ना, जितना कंज्यूम कर पाएंगे, तो डिमांड उतना ज्यादा नहीं होगा, जितना पैरिटी होगा उतना ज्यादा डिमांड होगा। व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, बिकॉज देयर इज पॉपुलेशन तो है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स तो बहुत है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड इंडिया, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अगर कोई भी कंज्यूमर गुड्स ला दो, कोई भी एफएमसीजी कंपनी इधर आ जाए एंड वो उसके उसका गुड चल जाए, सो वो उसका कुछ फिर उसको देखना ही नहीं है, बिकॉज कंज्यूमर ओरिएंटेड है, इंडिया इज वेरी वेरी कंज्यूमर ओरिएंटेड। बट एट द सेम टाइम विथ रीसेंट टाइम्स क्या हो रहा है, पीपल आर अर्निंग, मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज एक्चुअली इम्प्रूविंग इन इंडिया, एंड सो ऑब्वियसली द डिमांड इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, एंड दैट इज वाई वेन ऑल द इकोनॉमीज आर गोइंग डाउन, इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल गोइंग अप। अंडरस्टूड? क्लियर? कंज्यूमर ओरिएंटेड? एनी डाउट सो फार? अब दूसरा चीज समझते हैं, लेट्स सपोज इफ दिस इज माई डिमांड कर्व, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड जीरो, ये मेरा हो गया डिमांड
डिमांड कर्व, ठीक है। अब ओरिजिनली लेट्स से सपोज ये प्राइस है एंड ये क्वांटिटी है, ओरिजिनली ये मेरा प्राइस है एंड ये क्वांटिटी पी जीरो क्यू जीरो है, ऐसे ही होगा ना। एट प्राइस पी जीरो दिस इज द क्वांटिटी विच आई कैन परचेज, अंडरस्टूड। नाउ इफ आई टेल यू, नाउ इफ आई टेल यू द प्राइस हैज गॉन डाउन टू पी वन, तो अब हम लोग ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएंगे क्यू वन। लॉ ऑफ डिमांड इज एक्टिंग, प्राइस हैज गॉन डाउन, क्वांटिटी डिमांडेड हैज गॉन अप, सो माय पॉइंट फ्रॉम हियर हैज शिफ्टेड टू हियर। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सो कीवर्ड जो आपको यहां देखना है इज मूवमेंट, देर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड दिस मूवमेंट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, चेंज इन प्राइस ऑफ व्हाट, ओन गुड, ओन गुड, चेंज इन प्राइस ऑफ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यही आपका प्राइस इंक्रीज होता तो मूवमेंट अपवर्ड्स होता, यहाँ पे मूवमेंट डाउनवर्ड्स है, अंडरस्टूड, क्लियर? व्हाट इज मूवमेंट, व्हेन द प्राइस ऑफ ओन गुड चेंजेस देयर इज अ मूवमेंट, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम कॉन्स्टेंट, क्लियर है? अब सपोज मैं बोलती हूँ प्राइस, ये सारी चीजें ना सिंस अब तो ओबीए हो रहा है, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोल रही हूँ, सप्लीमेंट्री बोल रही हूँ एंड दीज वर्ड्स हॉरिजॉन्टल समेशन, आपको इस पे फोकस डालना है, ठीक है? दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट आएगा पूरा, अब तो आपका कुछ थ्योरी आएगा नहीं, पहले थ्योरी में स्टूडेंट्स यूज टू गेट मार्क्स, सब कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका डिमांड कर्व है, लेट्स से सपोज दिस इज माई डी जीरो ओरिजिनल डिमांड कर्व, ठीक है। ये मेरा अगेन आपका प्राइस है पी जीरो एंड दिस इज पॉइंट ए क्यू जीरो, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ लोगों का इनकम इंक्रीज हो गया, प्राइस सेम है, सब कुछ सेम है, खाली इनकम इंक्रीज हो गया। इनकम इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेंगे, ये वाला गुड का डिमांड और इंक्रीज, सो एट द सेम प्राइस ओनली आई वॉज डिमांडिंग क्यू जीरो, कैन आई नाउ डिमांड क्यू वन, कैन आई नाउ डिमांड क्यू वन एट द सेम प्राइस सिंस माई इनकम हैज गॉन अप, सो देर विल बी अ न्यू एंड दिस विल हैपन अक्रॉस ऑल द प्राइस लेवल्स, द डिमांड विल इंक्रीज, सो माई न्यू डिमांड कर्व विल बी समवेयर ओवर हियर, देर इज अ क्या बोलते हैं इसे, शिफ्ट, देर इज अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व एंड दिस हैपन्स वेन एनीथिंग एल्स चेंजेस अदर देन द प्राइस ऑफ द ओन गुड, एनीथिंग एल्स अदर देन द प्राइस ऑफ ओन गुड चेंजेस देर इज अ शिफ्ट, इसको बोलेंगे हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट। जैसे यहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड था, इसको बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता, जब मेरा इनकम इनकम फॉल होता। अब क्विकली बताना बिना सोचे, अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, शिफ्ट होगा, मूवमेंट होगा, या फिर और किस तरीके से होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, क्विकली इन द चैट बॉक्स। हाँ, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ आर ओन ओन गुडविल इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज एट ईच लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ओन गुड, सो देर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली इफ आई टेल यू लेट्स सपोज प्राइस ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस गोज डाउन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अभी का कंजम्पशन विल गो डाउन, अभी आई विल कंज्यूम लेस, सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अंडरस्टूड? सिंपल, एनी डाउट सो फार, क्विकली एनी डाउट सो फार? तो यहां हम लोग एक चीज और समझते हैं, इसको हम पहले वाले को हम लोग बोलते हैं चेंज, ये मेरा चेंज का सिंबल है, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है। यहां हम यूजुअली बोलते हैं चेंज इन डिमांड, यहां हम बोलते हैं
चेंज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड कर्व पूरा शिफ्ट हुआ है, ठीक है? तो आपका इंटरसेप्ट, स्लोप, एवरीथिंग विल चेंज, ठीक है? ठीक है, नाउ क्लियर एनी डाउट सो फार? देख लो, लेट्स मूव टू सप्लाई. नाउ लेट्स मूव टू सप्लाई. सो सिमिलर टू डिमांड, सप्लाई का डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे, बताओ? सप्लाई का डेफिनेशन क्या होगा? अमाउंट सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ गिवन प्राइस लेवल, ठीक है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ गिवन प्राइस लेवल, दैट्स इट, ठीक है? नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं? अगर प्राइस ऑफ द गुड बढ़ता है, यू बीइंग अ सप्लायर क्या करोगे, सप्लाई ज्यादा की कम? हाँ, यू बीइंग अ सप्लायर क्या करोगे, सप्लाई ज्यादा करोगे? क्लियर है? सप्लाई ज्यादा करोगे, प्राइस बढ़े. क्यों? प्राइस बढ़ है, मेरे को प्रॉफिट है ना. एवरीथिंग एल्स, हमेशा याद रखना, इन केसेस में भी से सेटेरस पेरिबस, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम कॉन्स्टेंट, ठीक है? सो प्राइस ऑफ गुड बढ़ रहा है, मेरा कॉस्ट ऑफ मेकिंग द गुड एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम, सो आई विल सेल, क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सप्लाइड गोज अप, देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, अंडरस्टूड? सिमिलरली इफ प्राइस गोज डाउन, अब मैं क्यों, मतलब मुझे, मेरा सब कुछ सेम है, कॉस्ट सेम लग रहा है, सब कुछ सेम है, मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो आई विल सेल लेस ऑफ दिस गुड, मे बी सेल सम अदर गुड. नाउ कैन यू अगेन, जैसे हमने वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझा था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, बट वी हैव सर्टेन गुड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, लेट्स सपोज, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स, बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे भी. सो सब्स्टिट्यूट्स इन सप्लाई बोलते हैं हम लोग, ठीक है? सब्स्टिट्यूट इन सप्लाई बोलते हैं. सब्स्टिट्यूट इन सप्लाई का क्या मीनिंग होता है? अगर मैं बोलूं कि मेरा एक शॉप है, ठीक है, उसमें ग्रोसरी स्टोर है, उसमें आई एम सेलिंग डिफरेंट गुड्स. अब कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, ठीक है? अगर मैं बोलूं प्राइस ऑफ कोलगेट गोज अप, ठीक है, प्राइस ऑफ कोलगेट गोज अप, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, बट आई हैव ओनली वन कंटेनर जिसमें आइदर आई कैन कीप पेप्सोडेंट और आई कैन कीप कोलगेट. सो वॉट शुड आई विल कीप? प्राइस ऑफ कोलगेट हैज गॉन अप, वॉट शुड आई कीप नाउ? कोलगेट ना, आई विल सेल. मुझे कंज्यूमर्स का नहीं सोचना है, बाकी सब कुछ सेम है, आई विल सेल मोर कोलगेट. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, उसमें आइदर आई कैन ग्रो व्हीट और आई कैन ग्रो शुगर, कुछ भी चलो मान लो. अगर मैं बोलूँ व्हीट में मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो मैं शुगर नहीं करूंगी या फिर इसको कम कर दूंगी एंड बाकी जब सब जगह पे व्हीट ग्रो करूंगी. सो दीज आर सब्स्टिट्यूट, मतलब जब आपको रिसोर्सेज, बीइंग अ सप्लायर, अपने रिसोर्सेज एक जगह से डाइवर्ट करके दूसरा जगह डालना पड़े, तो एक का कंजम्पशन, प्रोडक्शन सप्लाई कम होगा और दूसरे का सप्लाई बढ़ेगा. दैट इज योर सब्स्टिट्यूट्स इन सप्लाई, दैट इज योर सब्स्टिट्यूट इन सप्लाई. सो इफ माई प्राइस ऑफ कोलगेट गोज अप, आई विल एक्चुअली सेल मोर ऑफ कोलगेट, या फिर उल्टा बोल सकते हो, अगर प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट गोज डाउन, तो मैं क्वांटिटी सोल्ड ऑफ कोलगेट विल इंक्रीज, ठीक है? अगेन एक्स एंड वाई के बीच में नेगेटिव रिलेशन है. इफ दीज टू आर व्हाट, सब्स्टिट्यूट्स इन सप्लाई, ठीक है? एक होता है गुड्स इन जॉइंट सप्लाई, गुड्स इन जॉइंट सप्लाई.
तो आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, सो देर इज सम बाय प्रोडक्ट. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट पेट्रोल का बाय प्रोडक्ट कुछ होता है, उससे डीजल बनता है शायद, वैसा कुछ होता है. सो इफ आई से दैट, सो माई माई ओन गुड इज पेट्रोल, माई ओन गुड इज पेट्रोल. इफ आई से दैट प्राइस ऑफ डीजल गोज अप, विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोल, सो जितना पेट्रोल बनेगा उतना डीजल बनेगा, उतना ही ज्यादा डीजल बनेगा, तो आई विल प्रोड्यूस मोर ऑफ पेट्रोल, बिकॉज इससे अब मुझे डिमांड आ रहा है ना. जैसे जागरी, शुगर केन से जब शुगर बनता है तो जागरी बनता है, तो अगर मैं बोलूँ कि प्राइस ऑफ द जो भी लेफ्ट ओवर है, जो साथ में बन जा रहा है सप्लाई में, तो उसका बाय प्रोडक्ट का, जो साथ में बाय प्रोडक्ट बन रहा है, उसका प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो आई विल, एंड उसको अगर मुझे ज्यादा बेचना है तो मेन प्रोडक्ट को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा ना, तभी तो बाय प्रोडक्ट बनेगा. उसको हम गुड्स इन ज्वाइंट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है. तो बहुत बार क्या होता है, अगर आप ऐसे देखो, आई मीन कैन यू कम अप विद सम अदर एग्जाम्पल्स, ज्वाइंट सप्लाई, मतलब आई हैव सेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोडक्शन, बट कुछ और एग्जाम्पल आप लोग सोच पा रहे हो जो बाय प्रोडक्ट होता है, या फिर जो साथ में हम सप्लाई करते हैं, कुछ ऐसा सोच पा रहे हो? एनी अदर एग्जाम्पल कैन यू थिंक ऑफ? यूजुअली प्रोडक्शन साइड पे ही होता है, क्योंकि जैसे मतलब मुझे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटेलर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, देर आर सर्टन एग्जाम्पल्स, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा. बट प्रोडक्शन साइड पे जनरली होता है, जब आपका एक बाय प्रोडक्ट है एंड वो बाय प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ जाता है, तो हमें मेन प्रोडक्ट भी इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट बाय प्रोडक्ट का भी इंक्रीज हो प्रोडक्शन. क्लियर? दैट्स गुड्स इन सप्लाई. तो यहाँ एक्स एंड वाई का पॉजिटिव रिलेशन है. एक्स एंड वाई, जब मैं बोलती हूँ प्राइस एंड ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई का, देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन. ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर है? ठीक है, ओके. अनदर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग सप्लाई समझते हैं, कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. सो टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है समझना. यूजुअली हम लोग ना तीन पार्ट में टाइम को डिवाइड करते हैं. एक होता है आपका शॉर्ट रन, ठीक है, एक होता है आपका लॉन्ग रन, और एक होता है आपका वेरी लॉन्ग रन. वेरी शॉर्ट रन भी होता है, बट हम लोग अभी नहीं पढ़े, बट वेरी शॉर्ट रन भी एक्चुअली होता है. सो यूजुअली अगर मैं बोलूं आज आपका सुबह सुबह प्राइस ऑफ कोलगेट हैज गॉन अप, यू आर अ शॉपकीपर एक जगह पे, तो क्या आप आज की आज अभी के अभी उसका सप्लाई इंक्रीज कर पाओगे, तुरंत कर पाओगे, आज कर पाओगे, अभी तुरंत नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. सो फॉर मी वेरी शॉर्ट रन या शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट इज 1 डे या 2 डेज मैक्सिमम, ठीक है. बट क्या आप 1 वीक के बाद सप्लाई इंक्रीज कर पाओगे? प्रोबेबली यस, प्रोबेबली यस. कैसे कर सकते हैं सप्लाई इंक्रीज? जस्ट यू हैव टू बाय द कोलगेट फ्रॉम समवेयर, ठीक है. अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आपको रॉ मटेरियल लेबर इंक्रीज करना है, दैट्स इट, यू कैन प्रोड्यूस मोर, ठीक है. सपोज सैनिटाइजर्स का केस ले लो, प्राइस ऑफ सैनिटाइजर्स अगर इंक्रीज हुआ तो तुरंत नहीं कर पाएंगे, बट थोड़े ड्यूरेशन में लेबर रॉ मटेरियल्स हायर करके कर सकते हैं. बट बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा, तो आपको सप्लाई और करने के लिए मे बी न्यू फैक्ट्री सेटअप करना पड़े. सो वो आपका मे बी फ्यू मंथ्स वीक्स में नहीं होगा, इट विल टेक ईयर्स. तो दैट्स अ वेरी लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट. सो सप्लाई जो चेंज होता है वो तुरंत कभी नहीं होता, इट टेक्स, देर इज अ टाइम लैग, देर इज अ टाइम लैग. तो इस केस में हम लोग जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे ना, उधर हमें बहुत काम आएगा कि शॉर्ट रन में द सप्लाई इज वेरी इन इलास्टिक. इन इलास्टिक क्यों? हम बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते. व्हाट इज इलास्टिसिटी, वी विल स्टडी नेक्स्ट क्लास. हम तुरंत तुरंत कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, बट लॉन्ग रन में एंड वेरी लॉन्ग रन में वी कैन. अंडरस्टूड टाइम कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो जैसे हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, वैसे ही हम सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे,
ठीक है, तो सप्लाई शेड्यूल कैसा दिखता है? देखो, सप्लाई का शेड्यूल, अगेन वी हैव प्राइस पर केजी ऑफ, लेट्स सपोज पटेटोस या जो भी कोई भी एक कमोडिटी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक्स का सप्लाई केजीज में, लेट्स सपोज 50, 70, 100, 120, 130, तो क्या हो रहा है? प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, सप्लाईज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था, अगर हम दो जनों का ले ले, देर आर टू सेलर्स, ठीक है, देर आर लेट्स सपोज टू सेलर्स, तो मार्केट सप्लाई आपका क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल समेशन, दोनों को ऐड कर दोगे, एक्स प्लस वाई को क्या आएगा? 90, 130, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगेन इफ यू मेक द सप्लाई कर्व, तो यहाँ वापस से हम प्राइस प्लॉट करते हैं, यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड प्लॉट करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपका सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। अगेन यू कैन जस्ट ऐड टू सप्लाई कर्व्स टुगेदर, मार्केट सप्लाई कर्व विच इज द हॉरिजॉन्टल समेशन। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं, ठीक है। अब सिमिलर टू व्हाट वी डिड, हम लोग वापस से यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग दिस, तो यहाँ अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? ए इज अगेन द इंटरसेप्ट, बी इज अगेन द स्लोप, एंड पी इज द प्राइस ऑफ द गुड, एंड क्यू एस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। बट यहाँ पे वी हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, द स्लोप इज पॉजिटिव सिंस योर, एज योर प्राइस ऑफ द ओन गुड विल इंक्रीज, क्वांटिटी सोल्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल, यहाँ आप लोग एक्स लिख सकते हो इफ यू वॉन्ट। ठीक है, अब सिमिलरली व्हाट आर द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, व्हाट आर द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, बोलो। जैसे एक हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो हम बोल सकते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन सप्लाई, सब्स्टिट्यूट इन सप्लाई, ठीक है। एंड एक हमने पढ़ा सब प्राइस ऑफ जॉइंट गुड्स, गुड्स इन जॉइंट सप्लाई, और हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर बताओ जैसे क्या था, कोलगेट पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ेगा, कोलगेट आप कम बेचोगे कि ज्यादा बेचोगे? कम बेचोगे ना, क्योंकि आप पेप्सोडेंट भी बेचोगे, जिसका प्राइस बढ़ा वो बेचोगे, तो ये माइनस होगा। सिमिलरली प्राइस ऑफ जॉइंट या प्रॉफिटेबिलिटी, इसको प्राइस भी बोलते हैं, जनरली हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। इफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ जॉइंट गुड, रिफाइंड ऑयल इज बेसिकली आउटपुट ऑफ बाय प्रोडक्ट जब हम पेट्रोल बनाते हैं, लेट सपोज, तो अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप पेट्रोल ज्यादा बनाओगे कि कम? तो ये प्लस हो गया, क्योंकि अगर ये आपका बढ़ेगा तो ये भी आपका बढ़ेगा। फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस विल गो अप, तो अभी आप ज्यादा बेचोगे कि कम? होल्ड करके रखोगे एंड फ्यूचर में बेचोगे, अभी आप कम बेचोगे, फ्यूचर में आप ज्यादा बेचोगे। तो इफ योर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस इज अप, अभी आप कम बेचोगे, सो देर इज अ नेगेटिव रिलेशन, देर इज अ नेगेटिव रिलेशन, यस। एनी डाउट? देख लो, ठीक है।
और क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं हमारे, और क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं हमारे, एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा मेरा, सेटेरिस पेरिबस अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अगर हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, तो क्या होगा, अभी आप कम बेचोगे कि ज्यादा बेचोगे, क्यों? तो कम बेचेंगे कि ज्यादा, कम बेचेंगे। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर गुड का इंक्रीज हो जाता है, प्राइस सेम है, तो वो तो अब मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया ना। अगर मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया तो वो गुड हम कम बेचेंगे, हम क्यों ज्यादा बेचेंगे वो गुड। सो माई इफ COP इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड विल डिक्रीज, ठीक है, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो सप्लाई विल गो डाउन। अंडरस्टूड। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत तरीके से हो सकता है, इनपुट का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, टेक्नोलॉजी का, लेबर का, कोई भी चीजों का प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, टैक्स इज अनदर टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, कुछ चेंजेस हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एनीथिंग। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज होगा तो सप्लाई ऑफ आर गुड विल, बोलो, डिक्रीज, ठीक है। प्राइस ऑफ जॉइंट सप्लाई गुड्स इंक्रीज, सो आर गुड विल इंक्रीज, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हमने पढ़ लिया। अगर एक होता है एम ऑफ प्रोड्यूसर्स, अब बहुत प्रोड्यूसर्स दो तरीका का एम रखते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर मेरा एम सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, आई विल इंक्रीज माई सप्लाई। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज माई एम, तो उतना सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम फोकसिंग मोर ऑन कम बेचो ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। नंबर ऑफ सप्लायर्स इन द मार्केट, इफ नंबर ऑफ सप्लायर्स इन द मार्केट इंक्रीज, सप्लाई विल इंक्रीज, ठीक है। अंडरस्टूड। कोई रैंडम शॉक आ गया, कोविड आ गया मार्केट में, सप्लाई विल गो ऑफ सम कमोडिटी विल गो डाउन। अंडरस्टूड, एनी डाउट टिल हियर? हाँ, क्लियर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सप्लाई में जो हमने डिमांड में भी पढ़ा है, दिस इज माई प्राइस, दिस इज माई क्वांटिटी, ये मेरा सप्लाई कर्व है, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अब मेरा ये प्राइस है, सॉरी, ये मेरा सप्लाई कर्व है। इफ दिस इज माय पी जीरो, दिस इज द क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, दिस इज द क्वांटिटी सोल्ड एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। नाउ इफ आई से द प्राइस हैज गॉन डाउन टू P1, वॉट इज हैपनिंग, माई सप्लाई इज ऑल्सो गोइंग डाउन, माई सप्लाई इज ऑल्सो क्वान्टिटी सप्लाई। तो हो क्या रहे, पहले हम इधर थे, अब हम इधर आ गए, देर इज अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट विच हैपन्स इफ देर इज अ चेंज इन प्राइज ऑफ ओन गुड, विच हैपन्स इफ देर इज अ चेंज इन द प्राइज ऑफ ओन गुड, क्लियर है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सिमिलरली इफ आई टेल यू, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वान्टिटी सप्लाइड है, एंड यहाँ पे वी आर मेकिंग अ सप्लाई कर्व, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप, या फिर लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन, तो आपका प्राइस सेम है, सब कुछ सेम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर गिर जाता है तो आप अब सेम गुड को, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ तो आप ज्यादा बेचोगे एट द सेम प्राइस। तो ये मेरा प्राइस था, लेट्स सपोज P0, इसमें मैं बेच रही थी QS0, बट अब सेम पे मैं ज्यादा बेचूंगी QS1। सेम विल हैपन अक्रॉस ऑल द प्राइसेस, सो माई
सप्लाई इंक्रीजेस एस वन सप्लाई, देर इज दिस इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई. ठीक है, वहां पे था डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन इंक्रीज डिक्रीज डिमांड. यहाँ पे दिस इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई या फिर शिफ्ट शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, विच हैपेंस इफ अदर थिंग्स चेंजेस अदर देन प्राइस ऑफ द ओन गुड. एंड इसको हम लोग इंक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज ये लिख लेना इन सप्लाई भी बोलते हैं. तो अगर आप कभी वर्ड सुनोगे इंक्रीज इन सप्लाई, इसका मतलब देर इज अ राइट वर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट. या आप डिक्रीज इन सप्लाई सुनोगे तो लेफ्ट वर्ड या अपवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. अंडरस्टूड? अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट इज जनरली मूवमेंट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. इसको हम लोग जब भी खाली सुनोगे इंक्रीज इन डिमांड, तो जनरली इंक्रीज इन डिमांड इज शिफ्ट. ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं देर इज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ हम बोलते हैं देर इज अ चेंज इन सप्लाई इटसेल्फ, बिकॉज योर सप्लाई फंक्शन चेंजेस. यहाँ पे योर फंक्शन रिमेन्स द सेम, जस्ट दैट देर इज अ मूवमेंट. फंक्शन रिमेन्स द सेम, यहाँ आपका सप्लाई फंक्शन चेंजेस, सो देर इज अ चेंज इन सप्लाई. यहाँ पे आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, फंक्शन रिमेन्स द सेम. सेम अप्लाइज टू डिमांड कॉन्सेप्ट. क्लियर? जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड गो थ्रू द इंटायर थिंग, फिर हम डिमांड एंड सप्लाई को साथ में पढ़ेंगे. क्या होता है क्योंकि वही मैं सोच रही हूँ, बहुत लोगों ने पढ़ने वाला क्लास आज. हाँ, शाम को था. मंडे आई थिंक 8:30 से स्टार्ट किया था मैंने. ओके, अंडरस्टूड? अब हम लोग डिमांड एंड सप्लाई साथ में बढ़ेंगे टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एट विच योर कमोडिटी इज सोल्ड एंड बॉट इन द मार्केट. सो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर इन आर फर्स्ट क्लास, जहां हमने बोला था जहां हमने बोला था मार्केट क्लियर होता है अपने आप. इफ यू रिमेम्बर, फ्री मार्केट, कमांड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी. सो देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मार्केट क्लियरिंग. ठीक है, अब मार्केट क्लियरिंग का क्या मीनिंग है कि मार्केट वेयर योर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. ठीक है, आप लोग मेरे साथ ही बनाओगे अपने कॉपी में द डायग्राम्स विच आई मेक. सो मार्केट क्लियरिंग इज वेन योर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई एट अ गिवन प्राइस लेवल.
All right, that is when you say the market has cleared. That is when you say the market has cleared. So I'll give you one question. Let's suppose मैं बोलती हूँ quantity demanded is given as 100 minus P and quantity supplied is P minus 25. तो price निकालो जिसपे मेरा मार्केट क्लियर होगा एंड व्हाट विल बी द क्वांटिटी सोल्ड और डिमांडेड. क्विकली सॉल्व. बेसिकली हम लोग को क्या करना है, अगर हम बोलते हैं कि मार्केट क्लियर हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड इक्वेट करना है. इक्वेट करना है तो 100 माइनस पी पी माइनस 25 कितना आ रहा है. इज द प्राइस एट विच द मार्केट क्लियर्स. अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करो क्यूडी या क्यूएस में, तो व्हाट विल बी योर क्यूडी या फिर क्यूएस. हाँ, 37.5. ठीक है, सो योर मार्केट इज क्लियरिंग एट दिस प्राइस और दिस क्वांटिटी एंड दिस प्राइस लेवल. अंडरस्टूड. मार्केट इज क्लियरिंग एट दिस लेवल. सो बेसिकली अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊं, सो दिस इज योर प्राइस, दिस इज क्वांटिटी एंड इफ आई से दैट दिस इज माई डिमांड कर्व, दिस इज माई सप्लाई कर्व. सो ये जो मेरा प्राइस है पी जीरो, जो हमारे केस में 62.5 आ रहा है एंड ये जो मेरा क्वांटिटी है 37.5 था ना, दिस इज द प्राइस एंड क्वांटिटी इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी. वाई इक्विलिब्रियम, वाई इक्विलिब्रियम, मार्केट इज क्लियरिंग एट दिस प्राइस एंड क्वांटिटी, मतलब मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. ठीक है, मार्केट इज क्लियरिंग. मार्केट इज क्लियरिंग का मीनिंग क्या होता है, अब बताओ. सपोज इधर है, सपोज हम इधर है. ठीक है, लेट्स से सपोज प्राइस इंक्रीज होके हो गया, गवर्नमेंट ने बोला प्राइस होगा इसका 70 P1, तो इस पे ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है एंड ये हमारा क्वांटिटी सप्लाइड है, यस और नो. सो दिस पोर्शन जहां पे आपका क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज सरप्लस. क्यों सरप्लस, क्यों सरप्लस, क्योंकि ज्यादा बेच रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है. देर आर गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड इन द मार्केट एट दिस प्राइस. आपके मन में ना बहुत कुछ आता है जब आप ये सब पढ़ते हो. आपके मन में आता है ब्लैक मार्केट, आपके मन में आता है कि लोग सस्ते में खरीद लेंगे, वॉट एवर ऑल दोज थिंग्स. बट मैंने क्या बोला, 70, एट 70 देर इज अ सरप्लस, एट प्राइस 70 देर इज अ सरप्लस. सो मार्केट इज नॉट क्लियरिंग एट 70. देन मार्केट इज नॉट क्लियरिंग वेन देर इज अ सरप्लस इन द इकोनॉमी. वेन देर इज अ सरप्लस इन द इकोनॉमी, तो सरप्लस में क्या होता है, सरप्लस अगर मार्केट में है तो इसके बाद प्राइस विल स्टार्ट टू फॉल. मार्केट में बहुत जब सरप्लस, जैसे एक पॉइंट पे इफ यू रिमेम्बर इन द मंथ ऑफ आई थिंक जुलाई अगस्त में हुआ था क्या, जब टमेटोज का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया था. अगर आप न्यूज फॉलो करते हो बहुत ज्यादा हो गया था. इट वॉज लाइक 100 पर केजी, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट इट वॉज लाइक अलॉट. ठीक है, बट जैसे अब क्या है, वही लेने जाओगे तो सस्ते में मिलेगा, बहुत हाफ से भी कम हो गया प्राइस, बहुत कम हो गया, बिकॉज सरप्लस हो गया बहुत ज्यादा मार्केट में बट डिमांड उतना नहीं है, तो प्राइस हैज स्टार्टेड टू गो डाउन. प्राइस गो डाउन तो इम्पैक्ट तुरंत आता है. क्या इम्पैक्ट आता है, सबसे पहले क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज एंड प्राइस ऑफ ओन गुड है, तो जब भी ओन गुड बोलते हैं देर इज अ मूवमेंट. तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप मतलब देर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट
एंड अगर क्वांटिटी सप्लाइड गोज सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड गोज डाउन, क्योंकि प्राइस हैज गॉन डाउन ना, तो क्वांटिटी सप्लाइड गोज डाउन ऑफ ओन गुड, सो इट मूव्स अगेन डाउनवर्ड्स एंड यू विल अगेन रीच दिस इक्विलिब्रियम लेवल, एंड वंस इट रीचेस दिस लेवल योर प्राइस फॉल विल स्टॉप एंड योर मार्केट विल क्लियर एट 62.5. अंडरस्टूड? क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बोलू, नेक्स्ट अगर मैं बोलू, लेट्स सपोज ये प्राइस है, ठीक है, प्राइस इज 50, तो 50 पे यहाँ पे मेरा क्वांटिटी डिमांडेड है एंड यहाँ पे मेरा क्वांटिटी सप्लाइड है, तो ये जो मेरा गैप है, दिस गैप इज व्हाट? दिस गैप इज नोन एज शॉर्टेज. मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड, देर इज अ शॉर्टेज. इफ देर इज अ शॉर्टेज इन द मार्केट देन व्हाट हैपेंस? प्राइस इफ देर इज अ शॉर्टेज इन द मार्केट प्राइस इंक्रीजेस. डिमांड बहुत है, जिस चीज का डिमांड होगा उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, प्राइस इंक्रीजेस. इफ देर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस, टू थिंग्स ऑफ द ओन गुड अगेन, क्वांटिटी डिमांड विल स्टार्ट टू फॉल एंड क्वांटिटी सप्लाइड विल स्टार्ट टू इंक्रीज. अगेन क्वांटिटी सप्लाइड आपका, देर इज एन अपवर्ड मूवमेंट क्वांटिटी डिमांडेड का भी, एंड वी रीच दिस इक्विलिब्रियम जहां पे वापस आपका क्या होता है, मार्केट क्लोज. अंडरस्टूड? बोलो, देख लो. ठीक है, अब ये चीज ये क्लियर है पूरा? अब ये चीज समझते हैं विद अ लिटिल ट्विस्ट. अगर मैं बोलूं कि दिस इज प्राइस अगेन, ठीक है, ये मेरा सप्लाई कर्व है S0, D0 एंड दिस इज माय, उल्टा कर दिया ना मैंने, प्राइस क्वांटिटी Q0 P0, ठीक है, दिस इज माय इक्विलिब्रियम. अब अगर बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, व्हाट विल हैपन टू माय कर्व्स यहाँ पे? हाँ हाँ वापस से बोलो, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड्स या अपवर्ड या डाउनवर्ड, क्या ढंग से सोचो. सप्लाई कम होगा कि ज्यादा होगा? डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, COP से डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो माई सप्लाई गोज डाउन, सप्लाई कर्व गोज डाउन, सो यहां आ गया S1 अपवर्ड्स, समझो मतलब लेफ्ट वर्ड्स बोलेंगे इधर, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट वर्ड्स. इफ इट शिफ्ट लेफ्ट वर्ड्स एट दिस प्राइस लेवल, दिस इज द प्राइस, प्राइस इज नॉट चेंजिंग, प्राइस इज नॉट चेंजिंग एट दिस प्राइस लेवल, दिस इज द क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी सप्लाइड, बट दिस इज स्टिल डिमांड कर्व आपका सेम ही है, तो दिस ये जो आपका पॉइंट है, दिस इज स्टिल योर क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, सप्लाई कम है, देर विल बी अ शॉर्टेज. इफ देर इज अ शॉर्टेज प्राइस इंक्रीजेस, तो प्राइस ऊपर जाते जाएगा. इफ प्राइस गोज अप क्वांटिटी सप्लाइड गोज अप,
क्वांटिटी डिमांडेड गोल्स एंड दिस विल हैपन, दिस इज बेसिकली मूवमेंट. तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड, अब हम लोग इसमें ऊपर जाएंगे न्यू कर्व पे एंड इस पे हम पीछे जाएंगे एंड वील रीच दिस इक्विलिब्रियम जहां पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड एंड दिस इज द न्यू प्राइस लेवल P1. सो नाउ योर मार्केट क्लोज एट P1 एंड Q, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं Q2. ठीक है, ठीक है. सो व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, ध्यान से सुनना. COP इंक्रीज हुआ, S डिक्रीज हुआ. S का इंपैक्ट मेरे फाइनल प्राइस पे क्या आया, मेरे फाइनल प्राइस पे क्या आया और क्वांटिटी पे क्या आया, बताओ. फाइनल प्राइस इंक्रीज हुआ ना, फाइनल प्राइस इंक्रीज हुआ एंड ओरिजिनल क्वांटिटी हम कहाँ थे, ओरिजिनल क्वांटिटी हम यहाँ थे. सो डिक्रीज हुआ. तो अगर आपको ये रिलेशन नंबर समझना है, अगर आपका सप्लाई नीचे जाता है डिक्रीज होता है, योर प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी गोज डाउन. ये अगर उल्टा होता, ठीक है, इस पे बना के देख लेते हैं. चलो यही अगर आपका उल्टा होता, लेट्स सपोज यहां चला जाता आपका सप्लाई, तो इस प्राइस लेवल पे P0 पे ये आपका न्यू सप्लाई होता, डिमांड उतना ही रहता, सरप्लस. सरप्लस होने से क्या होगा, प्राइस विल डिक्रीज एंड दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम जहां पे आपका S इज इक्वल टू D0. सो क्वांटिटी इंक्रीज है ना एंड सप्लाई प्राइस डिक्रीज, दिस इज द न्यू प्राइस, प्राइस डिक्रीज एंड ये आपका नया क्वांटिटी हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, अंडरस्टूड. सो व्हाट आर वी सेइंग, दैट अगर सप्लाई इंक्रीज होता है प्राइस विल डिक्रीज, क्वांटिटी विल गो डाउन, गो अप. तो ये रिलेशन आपको खाली याद रखना है कि सप्लाई प्राइस को दूर, अपने से दूर फेंकता है, ठीक है, पुश करता है. सो इफ सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस, इफ सप्लाई डिक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, पुश करता है, इट पुशेस प्राइस अवे. अंडरस्टूड, क्लियर है, क्लियर है. क्वांटिटी एंड सप्लाई विल मूव इन द सेम डायरेक्शन. एनी डाउट, एनी डाउट. नेक्स्ट डिमांड, क्योंकि इसका ना जो MCQ आता है बहुत ट्रिकी आता है, एज इन ट्रिकी नहीं होता, वो इजी होता है, बट एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो. सो वी विल डू वन ऑफ द MCQs आफ्टर वी फिनिश दिस टॉपिक. अब सेम लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिमांड. सो इफ आई से दैट दिस इज द डिमांड कर्व D0 S0, तो ये हमारा P0 है एंड Q0 है. नाउ इफ आई टेल यू दैट द इनकम गोज अप, तो अब बताना क्या होगा, क्या शिफ्ट होगा, क्या मूव होगा. डिमांड विल इंक्रीज, देर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, देर विल बी अ राइटवर्ड या फिर अपवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. दिस इज D1 नाउ, D1. सो एट दिस प्राइस लेवल दिस इज माई क्वांटिटी डिमांडेड. कम करे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. यहाँ पे जेवियर्स बीकॉम इवनिंग से कौन कौन है, रिया, लविशा, जानवी, खुशबू, एनी वन फ्रॉम जेवियर्स बीकॉम इवनिंग? इन लोग बहुत देर से कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे. ठीक है, ओश, इसीलिए तुम भी बोल रहे क्या? ठीक है. सो
ये वाला चीज क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एट दिस प्राइस लेवल योर मतलब क्या सेमीफाइनल्स क्या हो रहा है अभी बेसिकली क्वालिफाइंग वो मेरे को पता है वर्ल्ड कप चल रहे। हाँ तो ये सब क्या है प्रैक्टिस सेशन टाइप्स। देर आर 10 टीम्स इन टोटल, तो उनकी हर एक टीम का हर एक के साथ होगा, मतलब इंडिया विल प्ले विथ ऑल द 9 अदर टीम्स। हाँ बट मेरे को कोई बोला 10C2 मैचेस होगा इस बार। 10C2 मैचेस हुआ ना, मतलब एवरी टीम इज प्लेइंग विथ एवरी अदर टीम, सो 10C2 90 मैचेस है ऑल इन इंडिया। माने सपोज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया में ही होगा वो, तो 90 मैचेस तो ये हो गए, 90 हुए ना। 10 टीम्स वर्सेस 10C2 हुआ ना, मतलब हाँ 90 मैचेस। फिर उसके बाद कैसे कैसे देखेंगे कौन जीता। सपोज इंडिया 6 मैच जीत गया तो वैसे देखा जाएगा कौन कितना विन्स हुआ, उसमें से कितने जाएंगे फिर नेक्स्ट लेवल में, 4 खाली फर्स्ट 4 इन द सेमीफाइनल्स। उसको सेमीफाइनल बोलेंगे कि क्वार्टर फाइनल, 4 टीम इन सेमी। तो 4 जन हो गया सेमीफाइनल में, फिर चारों आपस में 3 4C2 होगा, इसमें ग्रुप बनेगा। अच्छा 1 वर्सेस 2, 2 3 वर्सेस, ये क्या होता है भाई, 1 वर्सेस 2 होना चाहिए ना आइडियली। अच्छा ओ, तो 1 वर्सेस 4 एंड 2 वर्सेस, तो अगर 1 अच्छा है तो वो जीतेगा, तो एट द एंड अगर मतलब वो 1, फिर इनमें से जो जो जीता वो फाइनल। हाँ तो मतलब 90 92, चल 93 मान लो, और प्लस सेमीफाइनल का 2 मैच फाइनल का 1, 3, 96 मैचेस के अराउंड। एवरी डे तो 1 मैच हो रहा है, बाप रे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई। तो तुम लोग बोर नहीं होता इतना मैच देख के, मतलब आई फील सेमीफाइनल फाइनल इज इनफ। तो इंडिया अभी तक कितना हुआ, इंडिया का एक अफगानिस्तान के साथ हुआ था वो पता है मेरे को, दोनों जीत गया आज कल पाकिस्तान के साथ। अच्छा तो कल पूरा कैलकटा खाली रहेगा, सब पागल। पर संडे को होता है ना यूजुअली इंडिया पाकिस्तान, इस बार सैटरडे रख दिया इन्होंने, तभी अहमदाबाद टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव अभी। ठीक है सो P0 Q0, तो यहाँ पे सो इनकम इंक्रीज होगा, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगा। डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुआ सो एट द सेम प्राइस लेवल दिस इज माय न्यू डिमांड एंड दिस इज माई सप्लाई। तो ये जो गैप है दिस इज नाउ अगेन शॉर्टेज, तो शॉर्टेज की वजह से प्राइस विल शॉर्टेज की वजह से प्राइस गोज अप, एंड जिसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन एंड क्वांटिटी सप्लाइड गोज अप। सो यहाँ पे हम मूवमेंट होगा ऊपर एंड यहाँ नीचे, सो बेसिकली ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम बना P1 एंड Q1। सो आइडियली व्हाट हैपेंड, योर डिमांड कर्व शिफ्टेड अपवर्ड या फिर राइटवर्ड्स, योर प्राइस हैज गॉन अप एंड क्वांटिटी हैज आल्सो गॉन अप। क्लियर है? तो एक चीज हम लोग जो बहुत सुनते थे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल करता है अपने साथ प्राइस को, डिमांड बढ़ेगा प्राइस भी बढ़ेगा। सिमिलरली अगर हम क्विकली इमेजिन करें,
अगर हम क्विकली इमेजिन करें यहाँ पे कि मेरा डिमांड नीचे चले जाता, ठीक है, तो ये मेरा एट दिस प्राइस लेवल, दिस इज माय न्यू प्राइस और दिस इज माय डिमांड एंड दिस इज माय सप्लाई, सो देर इज अ सरप्लस। ये मेरा ये वाला पॉइंट सप्लाई का है ना, सप्लाई कर्व तो सेम है, डिमांड नीचे चले गया तो ये मेरा क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ये मेरा क्वांटिटी सप्लाइड हो गया, दिस इज अ सरप्लस, सरप्लस है तो प्राइस विल गो डाउन, प्राइस विल गो डाउन एंड हम यहाँ रीच करेंगे जहां पे मेरा न्यू डिमांड एंड ओल्ड सप्लाई इज इक्वल एंड आपका क्वांटिटी नीचे चले गया। सो अगर आपका डिमांड गोज डाउन, प्राइस गोज डाउन एंड क्वांटिटी हमेशा याद रखना सेम डायरेक्शन पे वर्क करता है। सो डिमांड नीचे गिरा, देर इज सरप्लस इन द मार्केट, प्राइस गोज डाउन, क्वांटिटी सप्लाई विल गो इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई विल गो डाउन एंड क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी विल गो डाउन। एक्चुअली अंडरस्टूड दिस प्रोसेस, हैव यू अंडरस्टूड? क्योंकि जब अब तो लिखना नहीं है हमें, पहले लिखते थे तो पूरा समझाते थे, बट द प्रोसेस यू हैव अंडरस्टूड, राइट? क्लियर? अब क्विकली सप्लाई का समझ में आया, डिमांड का। अब क्विकली बताना बिना देखे, इफ आई टेल यू प्राइस ऑफ, चलो वो डिफिकल्ट नहीं बनाते उसे, इफ आई टेल यू सप्लाई इंक्रीजेस, अब साथ में हो रहा है डिमांड सप्लाई साथ में वर्क कर रहा है, सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिमांड इंक्रीजेस, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी? क्वांटिटी वाला तो इजी है, पहले वो बोलो इंक्रीज, क्योंकि क्वांटिटी वाज ऑलवेज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना चिराग, इट्स ऑलवेज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, सप्लाई इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, सब पर प्राइस का क्या था, अगर सप्लाई बढ़ रहा था तो प्राइस वाज डिक्रीजिंग, ऊपर जाके देखो ना, इट वाज डिक्रीजिंग एंड डिमांड इंक्रीज हो रहा था तो प्राइस वाज इंक्रीजिंग, अब भी ऊपर लिखा था देखो, तो ये डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा फाइनल आउटपुट? एक जन बोल रहा है नो चेंज, और क्या आंसर्स है? करेक्ट, ये बोल रहे हैं डिपेंड्स, सो दिस यू कैन नॉट से, तुम ये नहीं बोल सकते हो कि डिक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्राइस, ये तुम कैसे बोल सकते हो, ये तुम नहीं बोल सकते, सो दिस इज इनडिटर्मिनेंट, मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि प्राइस क्या होगा, दिस इज, ये आपका आता है एमसीक्यू में, चार एमसीक्यू रहता है, क्वेश्चन रहता है सप्लाई इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस ऑफ बाइसिकल्स, चार ऑप्शंस रहते हैं, क्या ऑप्शंस रहते हैं, प्राइस इज इनडिटर्मिनेंट, क्वांटिटी इंक्रीजेस, प्राइस इज इनडिटर्मिनेंट, क्वांटिटी डिक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीजेस, तो चार कुछ ऑप्शन रहने के, तुम्हें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड करना है कि क्वांटिटी पे सोचो, क्वांटिटी इंक्रीज है तो दो ऑप्शन ऐसे डिलीट हो गया, क्वांटिटी डिक्रीज वाला बचा प्राइस, प्राइस इनडिटर्मिनेंट है, नहीं अब हो सकते हैं, मतलब एमसीक्यू इज एनी वन, वो मल्टीपल चॉइस होता है फिर, हाँ मतलब अब फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा बाय द वे मैं तुम लोग को बताऊंगी, नाउ यू ऑल कैन एक्चुअली सिट फॉर द एग्जाम, मतलब तुम लोग, मैं आई विल शेयर द लिंक, मैं उस दिन देख रही थी एक आईएफओ ने सबको एक लिंक भेजा है ओबीए क्वेश्चंस टेस्ट करने का, तो वहां पे दे हैव अराउंड 60 क्वेश्चंस एंड यू कैन ऑल्सो टेस्ट देयर प्लेटफॉर्म, सो एक बार मैं चेक करूंगी अपने लैपटॉप पे एंड तुम लोग करना फिर, एक्चुअली तुम लोग कर नहीं पाओगे सारे क्वेश्चंस अभी बिकॉज आगे के चैप्टर्स के हैं, बट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड एंड टेक अ फील ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो मैं बताऊंगी, मैं आया मेल सबके पास ही आया होगा, आप लोग ने शायद मिस किया होगा वो मेल। हाँ अच्छा वैसे हाँ, तो इसीलिए भी नहीं आया होगा, ठीक है, सो नाउ अंडरस्टूड कि प्राइस का कैसे बोलते हैं। अगर अब मैं एक और चीज बोलती हूँ, एक और चीज बोलती हूँ, सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, तो अब बताना क्या होगा, प्राइस क्या होता है इस पे डाउन, इसका प्राइस डिक्रीजेस, तो ये हम लोग का शॉर्ट शॉर्ट डिक्रीज है और यहां पे
इनडिटर्मिनेंट हो गया क्वांटिटी अब. सो फाइनल डिटरमाइन करने के लिए हमें चाहिए कि कौन सा ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. सो जिसका वेटेज ज्यादा होगा, जिसका वेटेज ज्यादा होगा उसका ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा. सो नाउ इफ आई से कि सप्लाई का वेटेज ज्यादा था तो प्राइस नीचे जाता, तो प्राइस नीचे जाता. लेट्स सी यूजिंग अ ग्राफ. D0 S0 डिमांड को करते हैं अपने इंक्रीज D1 एंड सप्लाई को भी करते हैं इंक्रीज S1. ठीक है, सप्लाई भी इंक्रीज हुआ है, डिमांड भी. ओरिजिनल प्राइस हमारा ये था. ठीक है, S0 P0 P0 Q0 ओरिजिनल. अब न्यू क्या आ जाएगा यहां पे जहां पे नया इंटरसेक्शन हो रहा है? हुआ क्या? देखना, सप्लाई इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुआ. इसके वजह से प्राइस होना चाहिए था डिक्रीज, इसके वजह से होना चाहिए था प्राइस इंक्रीज. बट सिंस इसका पुल, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा था सप्लाई का, माय एक्चुअल प्राइस हैज गॉन डाउन. माय एक्चुअल प्राइस हैज गॉन डाउन बिकॉज तुम लोग देखो ना शिफ्ट कितना ज्यादा है सप्लाई में, डिमांड में तो शिफ्ट कितना कम है. तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा था एंड क्योंकि दोनों इंक्रीज थे क्वांटिटी हैज गॉन अप अलॉट. ठीक है, वी कैन डू द सेम थिंग फॉर फोर केसेस बनेगा. तो आप लोग कंपाइलर में देखना मैंने चार डायग्राम्स बनाए हैं, सप्लाई इंक्रीज डिमांड इंक्रीज. ठीक है, एक में उल्टा करा है, नहीं बोथ वाला मैंने दो ही किया है, बट एक्चुअल में देर विल बी सप्लाई इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज डिमांड डिक्रीज. ठीक है, सिमिलरली डिमांड के लिए. बट एग्जाम में ये वाला जो एमसीक्यू आता है इसमें अब आप बैठ जाओगे और सोचने लग जाओगे तो डिफिकल्ट एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं बचेगा. तो एक चीज आप लोग अपने कंपाइलर में बना लो विच इज नॉट गिवन, सप्लाई इंक्रीज ये बना लो, ये ऐसा बना लो चार केसेस, बहुत हेल्पफुल है एग्जाम में. ऑनेस्टली आप लोग को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा. सप्लाई पुशेस, तो हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ठीक है, सप्लाई पुश करता है, डिमांड पुल करता है. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट्स ऑल लॉजिकल. तुम लोग इंडिया क्रिकेट मैच का देख लो ना, अभी अहमदाबाद में कितना होटल प्राइस कितना हाई है एंड टिकट प्राइसेस आर सो हाई बिकॉज लाइक माय फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग इन दिसंबर. उन लोग बेचारे जा रहे किसी और काम से, उन लोग तो वर्ल्ड कप के लिए नहीं जा रहे. 15,000 टिकट प्राइस वन वे. श्योर दिसंबर या सॉरी नवंबर, नवंबर वो भी है बट इतना कभी नहीं होता था. सिर्फ 15,000 वन वे फ्रॉम सीसीओ टू अहमदाबाद, टू एक्सपेंसिव. एक ही एक सारे मैचेस वही है क्या अहमदाबाद? तो वहां का इतना क्यों है फिर? अभी इन कलकत्ता में कब है? बट सेमीफाइनल और फाइनल आई थिंक वही है. यहाँ है सेमीफाइनल्स कलकत्ता में, कब होगा? ओ कलकत्ता पागल हो जाएगा फिर. और अगर इंडिया पहुंच गया तब तो पूरा. हाँ पर इंडिया तो जाएगा ही फाइनल्स तक, इंडिया में मैच है. और इंडिया अगर नहीं जाएगा, नहीं उन लोग वैसा ही करते हैं, मतलब आई बिलीव वैसा करते हैं. तुम लोग सोचो टिकट नहीं सेल आउट होगा. तुम लोग फुटबॉल देखते हो? मैंने इस बार वर्ल्ड कप देखा था, लास्ट ईयर था ना फुटबॉल का. मेसी मेसी
अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस था लास्ट के, देखा था जब, मतलब बिना मतलब ऐसे नहीं होता, एकदम एंड में लग रहा था कि बिना मतलब, मुझे मतलब सॉरी अगर फुटबॉल प्लेयर फैंस थोड़े वो हो जाते हैं, मेरा भाई बहुत बड़ा मेसी फैन है बचपन से, तो वो भी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बट ऑनेस्टली व्हाट आई फेल्ट टुवर्ड्स द लास्ट हाफ एन आवर की बिना मतलब स्ट्रेच करें वॉच टाइम इंक्रीज करें, वॉच टाइम इंक्रीज होगा सारे चैनल्स का, अरे हाँ भाई बहुत पैसा जाता है इस पे। नहीं, अच्छा वो और जो एड हुआ था एक्स्ट्रा टाइम जो हुआ था, इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है, 3 या 2, तुम लोग नहीं समझेगा ना, तुम लोग को पसंद है, बट जो देख रहा है सिर्फ देखने के लिए, जैसे मैं देख रही थी देखने के लिए, चलो हाँ ये सब सब भाई, तुम एट द एंड ऑफ द डे ना, इट्स मतलब ठीक है, मुझे ऐसे रिकॉर्डिंग में नहीं बोलना चाहिए, मेरा भाई भी बहुत ज्यादा ऑफेंड हुआ था, बट ऑनेस्टली दिस इज व्हाट आई फील, एंड आई फील द सेम फॉर क्रिकेट, आई डोंट नो बट आई फील इट, इट कैन बी रॉन्ग, मेरे को मेरे पीछे मत लगना प्लीज, सो अंडरस्टूड, एंड बिकॉज अगर तुम लोग समझोगे भाई, और भी बहुत चीजें होती है पीछे मैच के पीछे, सो इंडिया में मैच होके दे विल नॉट टेक इंडिया टू द फाइनल्स, दे विल नॉट गेट सो मच व्यूअर्स, जो बहुत क्रिकेट हार्डकोर फैंस होते हैं वो देखते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं देखेंगे, बट इंडिया जाएगा फाइनल्स, मैं विल डेफिनेटली वॉच, सेमीफाइनल्स आई विल डेफिनेटली वॉच, समझ लो बहुत होते हैं भाई व्यूअर्स का, बहुत काउंट बहुत मैटर करते हैं, चैनल्स का प्राइस, चैनल्स पूरा कहाँ पहुंच जाते हैं चैनल्स, ओके गाने, परफॉर्म करने, परफॉर्म करने, बाबा अलग लेवल, ठीक है ओके okay. इंडिया में दो ही चीज का क्रेज है, बॉलीवुड एंड क्रिकेट, चलो सो कुछ थ्योरी पार्ट्स बच रहे हैं लास्ट के, विच आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास, बट चैप्टर 3 खत्म है, चैप्टर 4 वी विल स्टार्ट, चैप्टर 4 में मुझे अनदर 2 क्लासेस लगेंगे, सो इन यस आई विल टेक 2 क्लासेस, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी एंड ऑल भी है, काफी कुछ है, टैक्सेशन एंड ऑल, सो 2 क्लासेस, एंड उसमें हम चैप्टर 3 का जो 1 पेज बच रहा है ना, तो आप लोग चैप्टर 1 पूरा रीड कर सकते हो, आप चैप्टर 3 पूरा रीड कर सकते हो, एंड उसके सम्स जैसे हम लोग करवा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेशंस में, वो आप लोग कर सकते हो, ऑल राइट ठीक है, एनी डाउट, ओके थैंक यू।